ऋषभ पंत चेन्नई में, राहुल बैंगलोर में और अय्यर दिल्ली में, ये सब सुन सुन के पक गए हो क्या? अरे ये तो सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, ऑक्शन लिस्ट में तो 1500 से ज्यादा प्लेयर्स होंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए स्लॉट्स होंगे सिर्फ 204। मेरी बात मानो और प्रोवो पे अभी से ट्रेड करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कहां मिलेंगे कि केएल राहुल किस टीम के कैप्टन बन सकते हैं, या फिर कोई प्लेयर 5 करोड़, 10 करोड़ या फिर 15 करोड़ से ऊपर जाएगा। और सुनो, ट्रेड करना बनता भी है, क्योंकि बैंगलोर, दिल्ली और कोलकाता जैसी टीम्स कैप्टन भी ढूंढ रही है। मजा तो आएगा आरटीएम के टाइम पे, क्योंकि दिल्ली और पंजाब जैसी टीम्स हर एक प्लेयर का प्राइस बढ़ाएंगे, ताकि बाकी प्लेयर्स लेने की अपॉर्चुनिटी दूसरी टीम्स के पास कम हो, क्योंकि मुंबई और राजस्थान जैसी टीम्स के पास पर्स कम है। और एक और बात, न्यूज पर जाओ तो पता चलता है हर एक टीम के पास सेट टारगेट्स है और उन्होंने अपने टारगेट्स के हिसाब से अलग से पैसा निकाल के रखा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ है आरटीएम का खतरा और पंजाब और बैंगलोर के पास ज्यादा पैसा होने का फायदा। अब इसमें मुंबई और चेन्नई का फायदा कैसे है मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर मुंबई को यूजी चाहिए और चेन्नई को अश्विन चाहिए तो वो बड़े आराम से ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन प्लेयर्स की फॉर्मर टीम राजस्थान के पास आरटीएम ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वो 6 के 6 प्लेयर्स रिटेन कर चुके हैं। और वैसे भी अगर बेस प्राइस 2 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो या 30 लाख, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों को तो ट्रेड करना है ना। तो 17 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑक्शन के मजे लो विद प्रोबो।